सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो ये जगह है मंडोला बिहार गांव, तो देख सकते हो। और यहां से हम चलेंगे खेकड़ा के लिए और दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो आप अपनी आँखों से देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो देख सकते हैं अभी ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, कहीं इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और कहीं इनमें कंक्रीट की मदद से ये भरे जा रहे हैं और कहीं इनका फाउंडेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पसंद आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के कितना कुछ वर्क हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जो कि ये अक्सर में दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ये देहरादून में जाके ख़त्म होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है मंडोला बिहार परियोजना, ये मेरे लेफ्ट बाजू और यहाँ पे बनाया जा रहा है फ्लाईओवर दोस्तों। देख सकते हैं ये फ्लाईओवर के ये सेफ्टी बोर्ड रखे हुए हैं, देखिए ये, और इस पर वर्क चल रहा है तेजी के साथ में। और ये है मंडोला बिहार परियोजना लेफ्ट वाले, और ये इसमें यहाँ पर ये अभी वर्क चल रहा है दोनों साइड में, देख सकते हैं ये जो रैंप के साइड में जो लगाते हैं, देख सकते हैं ये सेफ्टी बोर्ड वो लगाए जा रहे हैं। देखो जेसीबी चल रही है इसमें, तो अभी यही वर्क चल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी टूट फाट और काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। और यहाँ से हम निकलते हुए चल रहे हैं, देखो अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, फिर ये कंक्रीट की लेबलिंग की जाएगी और ये बिल्डिंग चमक रही है। ये है मंडोला बिहार परियोजना, देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। आगे अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि तेजी के साथ में जो पिलर कंप्लीट हो गए हैं उन पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों। अभी अब क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा टूटा फाटा था तो इस वजह से वीडियो भी हिल रही है। देखो ये कंक्रीट पड़ा हुआ है, रोरी बजरी ये पड़ी हुई है रोड पर, तो इस वजह से ये वीडियो हिल रही है, लेकिन आपको तस्वीरें तो सही चमक रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हिल रही है, थोड़ी बहुत ही हिल रही है, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं ये खेकड़ा गांव आगे आने वाला है और वहां तक का ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को कि खेकड़ा गाँव तक कितना कुछ वर्क हो चुका है कम्प्लीट वो आप लोग देखें। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर ना तो सेफ्टी बोर्ड लगाए गए हैं और ना ही अभी कोई वर्क हुआ, जो मिलेगा आगे देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। आगे सेफ्टी बोर्ड भी मिलेंगे और पिलर को उठते हुए भी देखेंगे आप लोग, मतलब कि पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, फाउंडेशन यानी कि बना के कंप्लीट कर दिया गया है फाउंडेशन नीचे का। अब इसमें रिंग लगाई जाएंगे और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से ये भर दिए जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, देखो ये फाउंडेशन तैयार कर दिया नीचे तो, और ये स्ट्रक्चर के पिलर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और इधर ये पिलर भर दिए गए हैं। इन पर बस पिलर कैप का काम किया जाना है और पिलर कैप का काम भी अब तेज़ी से चल रहा है, बनाए जा रहे हैं पिलर कैप और फिर इसके बाद में गाटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी इन पर, और फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा, फिर इसके बाद में ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। और फिर ये आपको बता दूँ कि दिल्ली गाजियाबाद का रूट एक क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं सारे पिलर कौन कौन से लेवल तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन पर पिलर कैप का काम किया जाना है
और रोड देख सकते हैं अभी कि कितना ही बिजी रोड है ये, क्योंकि ये आपको बता दूँ बागपत बड़ौत होते हुए इधर की साइड में ये निकल जाता है। और देख सकते हैं ये किस तरीके से ये पिलर कैप बनाए जा रहे हैं, आप लोग अपनी आंखों से खुद ही देख सकते हैं। देखो ये सारे में सेटरिंग लगा दी गई है पिलर कैप बनाने के लिए सारे पिलरों पे, ये देख सकते हैं 4-5 पिलर हैं, इन पर सेटरिंग बिठा दी गई है पिलर कैप को बनाने के लिए। दोस्तों अब इन पर पिलर कैप का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं ये पिलर, इसमें कंक्रीट भर दिया गया है इस पिलर के अंदर देखो, और इसको छुड़ाने के बाद फिर इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो ये आ चुका है जो मंडोला बिहार गांव से जो खेकड़ा गांव पड़ता है उसके अंदर हम आ चुके हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। देखो और कितनी बिजी रोड है, क्योंकि यहां पर अभी इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं उनको भी भाई साहब शिफ्ट नहीं किया गया है। अब देखो कितनी बिजी है, और ये आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये बाज़ार है, अब बाज़ार वालों के लिए कितनी धूल मिट्टी, जो खाने पीने वाले हैं वहाँ पर कितनी धूल मिट्टी होती होगी दोस्तों, और ऐसे में लोग ऐसे खाने के लिए टूटते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग ऐसी जगह ना खाया पिया करें, अपना शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये देख सकते हैं डंपर निकलते हुए जा रहे हैं, और रोड कितनी पतली है, और आप लगा लो कि जब बारिश वारिश होती होगी तब यहाँ का क्या हाल होता होगा, क्योंकि ये रोरी बजरी की ये रोड बनाई गई है, तो इस वजह से देखो वीडियो भी कैसे हिलर हिलर कर रही है। सारे पिलर बन के आपको बता दूं कि इनमें कंक्रीटिंग कर दी गई है, अब ये बस पिलर कैप के लिए ही रेडी कर लिए जाएंगे, रेडी हैं ये पिलर कैप बनाने के लिए। सारे पिलर जितने भी देखेंगे आप लोग कंक्रीट भर के ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी इनमें वक्त लगता है वो पाइलिंग होती है, फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाता है, फिर इसमें ये कंक्रीट भरा जाता है, बस यहीं तक जो भी काम, जो भी परेशानी, जो भी टाइम लगता है वो यहीं तक बनने में लगता है दोस्तों। बाकी तो पिलर कैप तो जल्दी बन जाते हैं, फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इन पर फ्लोरिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है, और ब्लॉक टॉप तो आपकी बात ही मत करो, ब्लॉक टॉप भी बहुत जल्दी हो कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों कि कहां पर कितना वर्क चल रहा है, कौन सा हाईवे बनाया जा रहा है, कहां से निकल रहा है, क्या रूट है उसका, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने की और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें अभी कंक्रीट भरा जाएगा, इसमें नहीं भरा गया है, इसके बीच में भी अभी यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जाएगा, पिलर खड़ा किया जाएगा। तो देख सकते हैं बस यही नज़ारा है यहाँ का, और जो अगला वीडियो आएगा वो आप लोगों को दिखाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल तक, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको बता दूं बागपत और बड़ौत स्टार्ट हो जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद में। तो इसके बाद में ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के एक वीडियो और आएगा, और फिर उसके बाद में दोस्तों और कहीं का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं दोस्तों। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि केपी संत के वीडियोस कैसे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसी देता है आप लोगों को, पसंद आती है या नहीं आती है, आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो दोस्तों। क्योंकि आप देखो जाके यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक टॉप मिला है, रोड मिली है, और देख सकते हैं तेज़ी के साथ में यहाँ पर देखो ये बनाए जा रहे हैं पिलर कैप, और किस तरीके से ये पिलर कैप बनाए जाते हैं वो आप लोग अपनी आंखों से देखो। ये नई टेक्नोलॉजी है जो पिलर कैप बनाए जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ में दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें आर्म्स को भी जोड़ा जाएगा दोनों साइडों में, लेफ्ट में और राइट में, ये आर्म्स को जोड़ के फिर ये चौड़ा किया जाएगा।
तो उसी हिसाब से ये पिलर बनाए जा रहे, पिलर कैप बनाए जा रहे हैं और काफ़ी भारी भरकम इस पर लोड ये पिलर झेल सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये बनाया जा रहा है। ये मंदिर आ चुका है यहाँ पर, ये खेकड़ा गांव का, और खेकड़ा गांव यहाँ से अब स्टार्ट होता है यहाँ से। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।